तो पहले एपिसोड में आपने देखा होगा कि अर्ली मॉर्निंग मनाली से निकलकर अपने ज़िंदगी के सबसे हसीन रास्ते यानी रोहतांग पास से होते हुए मैं लाहौल के एक छोटे से गांव यानी रालिंग आ गया हूँ। आते वक्त सोच रहा था कि कैसा होगा वो गांव, वो घर, वो लोग, वो लोकेशन जहां मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब यहां पहुंचा तो सब कुछ मेरे हिसाब किताब से बाहर का निकला। ओके, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। बस ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया है और ये नीचे जाना है मुझे। निखिल का घर है। निखिल के बारे में नहीं बताया होगा, निखिल मेरा दोस्त है, चंडीगढ़ में हम लोग एक साथ रहते थे। तो यहाँ मैं उसके घर जा रहा हूँ और बहुत छोटा सा गांव है, नीचे दिखाई देंगे अभी से। और ये जो व्यू देख रहे हैं भाई साहब, अल्टीमेट है ये, मस्त यार। एक चीज़ गड़बड़ हो गई, मैंने अपने सेल्फी स्टिक यार जल्दीबाजी में ना मैंने सेल्फी स्टिक बस में ही छोड़ दिया, तो अभी मुझे हाथ से शूट करना पड़ेगा जो भी है। तो चलो नीचे चलते हैं, पेड़ों के पीछे इनका घर है जनाब का। चलो, तो ये वाला घर है। ओ, डिश टीवी का एंटीना भी लगा है, मस्त है। और ये सामने व्यू, वाह। ओके, तो ये है रूम, यहाँ पे आज रुकना है। व्यू, व्यू बहुत ज़रूरी होता है और मेरे ख्याल से ये तो तगड़ा है भाई। सो ये है निखिल भाई का किचन, मस्त है भाई, देख रहे हो, एकदम वीआईपी व्यवस्था है। और ये तंदूर वंदूर लगी है। अब हमारे लिए जो है चाय का इंतज़ाम हुआ है, चलो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, मेरे खाने से पहले पीने से पहले कुछ वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये सब कुछ है। लाहौल का ट्रेडिशनल है। अब ये लेना है हमको दोनों हाथ से, क्या करना है? अब क्या करना है हमको, इसको पकड़ा तुमने, अब मैं ये पकड़ूंगा, ठीक है? ठीक है, अब मैं तीन बार ऐसे करूँगा ना, तुमको तीन बार ऐसे करना है, ठीक है? इसको निकालना है? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा हल्का, तीन बार, ठीक है? निकालो, अब ऐसे बैठो। और अब जब मैं तुमको ये लगाऊंगा तो तुमको बोलना है ढाल जी, ढाल जी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ढाल जी, लगा कि नहीं? लगा कि नहीं? क्या लगे? लगे मेरे को तो लग रही नहीं। लगा नहीं, तुमको यहाँ पकड़ना दो बस, हो गया। अब तुम चाहिए ओके और इसको करो। ये सबके साथ होता है जो भी आता है लाहौल में, जो पहली बार आता है उसके साथ कि जो तुम्हारे रिलेटिव्स आते हैं उसके साथ भी, जो भी पहली बार आता है साथ में, जैसे एक बार आ गया पहली बार जो होता है उसे ही करना पड़ता है, मतलब ये रिचुअल है। इसको क्या बोलते हैं? कल्चर, कल्चर। ओके, तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है इसको कल्चर बोलते हैं। इसमें क्या था? शराब, वाइन। और इंग्लिश वाली है फिर घर की? घर की। तो तुमको शराब पीने का भी एक मतलब वो है खास तरीका, कैसे कैसे पीना देख लो। अच्छा ठीक है, तुम बताओगे हमको तो हम जानेंगे ना, हमने हम तो अपने आप ही नहीं पीते। चलो अच्छी बात है ये, सोच के दो पे बने, दोनों भाई चेयर्स करेंगे फिर देखो करना होता है, ग्लास में डालना होता है। घी है क्या ये? ये मक्खन। हाँ, ये ग्लास में डालना होता है। ये भी हार बनने के लिए, ये भी हार बनने के लिए। अब ज़्यादा नहीं पीना होता इसको, मतलब दो दो सिप पीना होता सिर्फ। तो काफ़ी काफ़ी चल जाती होगी ये। बस करो बस, ये मेरे लिए भाई। अच्छा ठीक, ये
और पूरा पीना इसको एक बार में। ना भाई इतना बहुत है, इतना बहुत है। उम्मीद चलेगी नहीं है, नहीं चलेगी, बहुत हल्की थी, हल्का सा हल्का मैंने बस उसके लिए रिचुअल्स के लिए। अच्छा तो भाई ये है निखिल जी, तो इनके यहाँ हम रुके हुए हैं, लाहौल में है रालिंग विलेज। अभी ये इधर देख रहे हो नीचे है चंद्रा रिवर, नहीं दिखी होगी, चलो बाद में दिखा देंगे। तो चंद्रा रिवर जा रहे हैं और मैंने कहा आज शाम यहीं चिल करते हैं आसपास, फिर कल हो सकता है तो केलांग जाएंगे। और ये है सेब का पेड़, सेब लगे भी हुए हैं। भाई इधर कुछ सही हो गया, रास्ता उधर बहुत ज़्यादा था। ये रास्ता किसने डिस्कवर किया? पहले यहाँ पे बहुत कम आदमी रहते रहे होंगे ना। मैं गिर जाऊंगा, तुम आगे आगे चलते चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। फिर बाद में बुलाऊंगा निखिल। पीछे एक वाटरफॉल गया था, मतलब छोटा सा था। ये है खलमंग, जगह का नाम है। यहाँ के जगहों का नाम भाई ऐसे ऐसे है, अभी बता रहा है निखिल, दो मिनट बाद गायब, पता याद ही नहीं रहता बिल्कुल भी। अजीब अजीब से नाम होते हैं मेरे लिए। चलो नदी नीचे है, मुझे लगा तो 10 मिनट पहुंच जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो, कैसा होगा अभी। चलो 10 मिनट नहीं 20 मिनट पहुंच जाएंगे। गलत रास्ते आ गए, एक्चुअली कुछ डिफाइंड ट्रैक जैसा कुछ है नहीं, तो बस हम लोग ऐसे उतर रहे थे और हमें यहाँ पे आके लगा कि यार इसके नीचे जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन अनडिफाइंड ट्रेल्स के सहारे जब मैं नदी किनारे पहुंचा तो खुशी के मारे चिल्ला पड़ा था। यस, पहुंच गए। और बस आज का दिन खत्म होने को था, और मैं उस तिनन घाटी के बीच बह रही चंद्रा नदी के किनारे बैठकर जिंदगी को थैंक यू बोल रहा था। थैंक यू जिंदगी, इतना खूबसूरत दिन देने के लिए।